आर्यन खान की जमानत को लेकर कोर्ट में फिलहाल दलीलें चल रही हैं, लेकिन आर्यन खान के पूछताछ के बाद अच्युत कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसको अब जो है 9 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन अब सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में आर्यन से जो पूछताछ हुई, एनसीबी ने जो पूछताछ की है उसको लेकर बड़े खुलासे किए हैं। सतीश माने शिंदे ने कहा कि एज फार एज माई क्लाइंट स्टेटमेंट इज कंसर्न, उनकी स्टेटमेंट का हवाला देते हुए कहा गया कि मेरी अरेस्ट जो है वो पिकअप गेट पर हुई थी, मेरी किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट किसी ऑफिसर को लेकर नहीं है। लेकिन जहां तक केस को लेकर बात है, मैं पहले दिन इसलिए एग्री हो गया था रिमांड के लिए कि अगर किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इस डेवलपमेंट को लेकर तो मैं दे सकता हूं, मुझसे पूछताछ हो सकती है। लेकिन इसी केस में कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों को छोड़कर पिछले कुछ दिनों में कुछ भी नहीं हुआ है। जहां तक बात है मेरे इंटेरोगेशन की, यानी कि आर्यन के इंटेरोगेशन की, वो हुई, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरे विदेश में स्टे को लेकर ही पूछताछ हुई है। अगर किसी भी तरह का और कोई सवाल मुझसे नहीं पूछा गया है, अगर किसी की अरेस्ट मेरी स्टेटमेंट के आधार पर हुई है, या कोई सीनियर ऑफिसर कनेक्टेड है जो मेरी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उसने उस किसी और पर्सन की गिरफ्तारी की है, तो ऐसा एनी सीनियर ऑफिसर कनेक्टेड विद माय इन्वेस्टिगेशन वुड असर्टेन दैट इट इज द सेम पर्सन और दैट आई हैव एनी एसोसिएशन, बट नथिंग हैज हैपन्ड। यानी कि जो ये दावे किए जा रहे हैं कि आर्यन की पूछताछ के बाद किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है, तो ये कहना है आर्यन की तरफ से वकील का कि अगर ऐसा कोई ऑफिसर कहता है तो क्या कभी मुझसे ये बताया गया, पूछा गया क्या वो वही शख्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी कोई भी पूछताछ इन सारी चीजों को लेकर हुई ही नहीं। मुझसे सिर्फ और सिर्फ एनसीबी ने अभी तक मेरे अब्रॉड स्टे को लेकर ही पूछताछ की है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि येस्टरडे व्हेन दे अरेस्टेड कुमार दे शुड हैव कंफ्रंटेड वेदर मर्चेंट एंड खान वर रिलेटेड और नॉट। क्या इस बात को लेकर भी पूछताछ हुई कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि एनसीबी ने आज दलील दी कि हमें आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। तो अभी तक जितने लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे ये बात पूछी भी नहीं गई कि क्या आप इन लोगों को जानते हैं। तो क्या एनसीबी रिमांड बढ़ाने के लिए या रिमांड में लेने के लिए इस तरह की दलीलें दे रहा है? तो सतीश माने शिंदे ने यह साफ कहा, द क्वेश्चन ऑफ कन्फ्रंटिंग शुड नॉट बी द ओनली ग्राउंड, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनको बैठकर आमने सामने पूछताछ की होती, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। वन मोर डेवलपमेंट इज द क्रूज ऑर्गेनाइजर हैव बीन डिटेन, दे हैव अरेस्टेड अ फॉरन नेशनल विद होम आई हैव नो कनेक्शन सो फार। तो एक बात तो तय है कि सतीश माने शिंदे ने ये कहा है कि अभी तक आर्यन से अगर जो पूछताछ हुई है वो सिर्फ उनके अब्रॉड स्टे को लेकर ही हुई है, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई सवाल आर्यन से पूछा ही नहीं गया। तो जो ये दावे किए जा रहे हैं कि आर्यन की पूछताछ के आधार पर किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की दलीलें जो हैं फिलहाल कोर्ट में चल रही हैं। थोड़ी देर में ये डिसीजन आ जाएगा कि क्या आर्यन को जमानत मिलती है या नहीं।